से वोटिंग होगी। पूरे देश में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है। वहीं बात यूपी की करें तो 7वें चरण में 13 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और साथ ही दुद्धी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी कल वोट पड़ेंगे। कल आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। साथ ही गोरखपुर में भी कल वोटिंग होनी है। पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल के लिए रवाना हो चुकी हैं। यूपी की 13 सीटों पर 144 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल 7वें चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, देवरिया, मऊ से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। जून को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के 7वें चरण में उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। 7वें चरण में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे अधिक मतदाता 64 गोरखपुर में हैं, 20,97,202, और सबसे कम मतदाता 71 सलेमपुर में हैं, 17,76,982। कुल मिला के इन 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 144 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 134 पुरुष प्रत्याशी हैं और 10 महिला प्रत्याशी हैं। तो वाराणसी में कल वोटिंग है। वाराणसी में पोलिंग बूथ पर कैसी तैयारी है, हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी ने इसका जायजा लिया है, वो आपको दिखाते हैं। पहले वाराणसी में जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका क्या नज़ारा है ये बताने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी के नगर निगम स्थित मॉडल बूथ पर, जहां पर आप ये देखिए कि किस तरीके से इसको तैयार किया गया है। खास बात यह है कि चिंता की लकीरें प्रत्याशियों के पार्टियों के माथे पर भी हैं। मौसम को देखते हुए वाराणसी में पारा 48 के करीब है और कहा जा रहा है कि 70 साल का रिकॉर्ड भी इस गर्मी में टूट गया। ऐसे में जो वोटर्स हैं उनकी सुविधाओं के लिए क्या किया गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अधिक से अधिक वोटिंग हो और सभी वोटर्स घर से निकले, मौसम की मार कम से कम झेलनी पड़े, इसके लिए यहाँ पर आप ये देखिए एक टेंट लगाया गया है, यहाँ पर चेयर डाली गई हैं ताकि जो वोटर्स हैं वो यहाँ बैठ सकें। कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट्स भी लगाए जा रहे हैं। तो वाराणसी के मॉडल बूथ है। तो कल की वोटिंग को लेकर कैसी तैयारियां हैं बताने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाजीपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित गंजू, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, गाजीपुर में कैसी तैयारियां आप देख पा रहे हैं वोटिंग से पहले? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आखिरी चरण है। आखिरी चरण में गाजीपुर को हॉट सीट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां प्रत्याशी की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी और यहां वीआईपीस कल वोट कास्ट करेंगे। अगर बात की जाए यहाँ इस जगह की तो महेंद्रनाथ पांडे यहाँ जो सैदपुर विधानसभा के अपने मोहनपुरवा है उसमें वोट कास्ट करेंगे, तो वहीं पारसनाथ राय अपने होम टाउन में जाके करेंगे। अगर बात की जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर तो वो मोहम्मदाबाद के अपने जो मोहनपुरा उनका पोलिंग सेंटर है उस पर वोट कास्ट करेंगे, तो वहीं अफजाल अपने अंसारी इंटर कॉलेज में कास्ट करेंगे। इसके अलावा 2 MLCs हैं जो यहाँ अपने वोट कास्ट करेंगे और अभी जिस तरह मेरे सहयोगी बता रहे थे उपेंद्र, यहाँ भी तैयारियां पूरी करी गई हैं क्योंकि गर्मी को ध्यान रखते हुए स्पेशल एक मीटिंग भी रखाई गई है। इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वोट परसेंटेज कहीं से कम ना हो। देखिए, पारा 7 में आसमान पर इस वक्त 46.4 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का था और 2 दिन से बात की जाए तो 45-46 के बीच में फ्लोट कर रहा है और ऐसे में वोटर्स बढ़े, वोटर्स का कहीं से जोश कम ना हो, इसलिए पोलिंग सेंटर्स पर फैंस के अतिरिक्त कूलर्स लगाए गए हैं, पानी की टैंकी लगाई है, व्हील चेयर्स की अगर बात की जाए तो व्हील चेयर्स रखी गई हैं। इसके अलावा 27 ऐसे सेंटर्स हैं जहां सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और कई जगह ऐसे जहां बैलून बंटिंग से लोगों की जो क्रेज है वोट कास्ट करने में कहीं से कम ना हो। और कल का दिन बड़ा ही अहम माना जा रहा है क्योंकि लास्ट फेज है, कल सुबह 7 बजे से जिसकी शुरुआत होगी, 6 बजे इसका समापन होगा और सबकी नजरें गाजीपुर में इसलिए टिकी, गाजीपुर कुछ दिन पहले भी बड़ा चर्चाओं में आया था। जी हमें उपेंद्र, जिन 13 सीटों पर मतदान होना है उनमें वाराणसी सीट सबसे हॉट सीट है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहाँ पर जो तैयारियाँ की गई वो हमने रिपोर्ट के जरिए देखा है, लेकिन वोटर्स में कैसा उत्साह दिख रहा है इस बढ़े हुए तापमान के बीच वोटिंग को लेकर? देखिए, बढ़ा हुआ तापमान सबके लिए चिंता की लकीरें खींच रहा है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो प्रत्याशी हो। तो ऐसे में सभी अपने अपने तरीके से इंतजाम कर रहे हैं, कानून के और
जो चुनाव आयोग की जो सीमाएं हैं उसके तहत। तो फिलहाल प्रशासन की सीमा की बात कर ले तो प्रशासन यहां पर तमाम तरीके से टेंस लगा रहा है, सेल्फी पॉइंट बना रहा है। और खास बात अमित, ये जानकारी भी अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि वाराणसी ऐसी सीट है जहां पर आप जैसे ही वोटिंग करेंगे उसके बाद ये आप QR कोड स्कैन जैसे ही करेंगे तो आपको अपना वोटिंग प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। बाकी सुविधाओं के लिहाज से कूलर है, पंखे हैं, ठंडे पानी का भी इंतजाम है। पारा कल का अगर हम मौसम विभाग का पूर्वानुमान माने तो पारा कल भी जो है 45 से कम नहीं होने जा रहा है। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा पोलिंग की संभावना है वो सुबह 10 बजे यानी कि 7 बजे से सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे से 6 बजे, ये सबसे ज्यादा। और ये जो 4-5 घंटे का मैं आपको वक्त बता रहा हूं, यही 5 घंटे तय करेंगे प्रत्याशी की किस्मत, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग इसी में जताई जा रही है। और हम आपको बता दें कि कुछ इस तरीके से सजाया गया है यहां पर और बच्चे अभी से यहां पर पहुंचने लगे हैं। ये देखिए यहां पर बलून से सजाया जा रहा है और इस पूरे जहां तक आप जाएंगे साथ ही साथ लोगों को दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको यहां पर बूथ संख्या भी 43, 44, 45, 46, 47 यहां पर पड़ेगा। तो आपको जो दूसरे बूथ है 48, 49, 50 वो यहां पर होंगे, इस तरफ से रास्ता होगा, इसके लिए भी बाकायदा यहां पर मार्किंग की गई है। तो ये कुछ जो मॉडल्स बूथ है उनको बनाया गया है। लेकिन खास बात यह है अमित की ये जो पूर्वांचल की जो सीटें हैं इससे भाजपा को बेहद उम्मीदें हैं और विपक्ष ने भी यहां पर खासा जोर लगाया है। पूर्वांचल की ये 13 सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा पूरी तरीके से हम कह लें तो कोर रूप से जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। इसके अलावा कल जो मतदान होना है उसमें NDA के विपक्षी दल जो है उनकी भी अग्नि परीक्षा है, चाहे वो सुभाषपा की हो, क्योंकि खुद ओम प्रकाश राजभर के बेटे घोसी से लड़ रहे हैं तो अनुप्रिया पटेल खुद मिर्जापुर से लड़ रही हैं। तो ऐसे में विपक्षी गठबंधन की भी यहां पर परीक्षा है और सबसे ज्यादा जो परीक्षा है वो ये कि कल परीक्षा और इस परीक्षा का परिणाम 4 जून को आना है। लेकिन उससे पहले कल 7वें चरण की वोटिंग है और वोटिंग गोरखपुर में भी है जहां से रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, हम सभी लोग ये बात कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बड़ा फैक्टर है तापमान। इस बढ़े हुए तापमान से निपटने के लिए क्या तैयारियां वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं कि वोटर्स को कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने में? बिल्कुल, तापमान की जो बात कर रहे हैं आप तो तापमान इस समय लोगों के रूह कपा दे रहा है। 44-45 डिग्री का तापमान दिन में रह रहा है, करीब 11 बजे से यह तापमान चढ़ जा रहा है और शाम को 4 बजे तक गर्मी का माहौल बना हुआ है। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में कई VIPs वोटर भी हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ बूथ पे अपना मतदान सुबह 7:30 बजे के करीब करेंगे। 8:30 बजे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला अपना मतदान सेंट्रल ड्यूज में करेंगे। पादरी बाजार स्थित इंटर कॉलेज में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अपना मतदान करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, वो भी 9:30 बजे अपना मतदान करेंगे। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं रवि किशन शुक्ला, वो भी गोरखपुर के अब मतदाता हो गए हैं, वो भी 9 बजे के करीब अपना मतदान करेंगे। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद भी 9 बजे के करीब गोपलापुर में अपना मतदान करेंगी। तो ये VIP वोटर हैं जो कल गोरखपुर में मतदान करेंगे और गोरखपुर में जो मतदान प्रतिशत उसको बढ़ाने का काम करेंगे। चूंकि इस फेज में सबसे अधिक मतदाता अगर किसी लोकसभा सीट पे हैं तो वो गोरखपुर में है, 20 लाख से अधिक मतदाता यहाँ पे हैं। प्रशासन की यह कोशिश है कि अधिक से अधिक मतदाता जो है वो बूथों तक पहुंचे, इसके लिए इंतजाम गर्मी से बचने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पे टेंट लगाया गया है, कूलर लगाया गया है, पानी की व्यवस्था की गई है, साथ ही विकलांग व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है और अगर जरूरत पड़ेगी तो अंदर तक ई रिक्शा के माध्यम से अगर बुजुर्ग व्यक्ति वहां पे आ रहा है और वो अंदर नहीं चल पा रहा तो पोलिंग स्टेशन के अंदर तक ई रिक्शा के माध्यम से उसको ले जाने की भी व्यवस्था। सारी बातों का सार यही कि चुनाव आयोग की तैयारियां मुकम्मल हैं और बारी आपकी है और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो लोकतंत्र के इस महापर्व का आखिरी चरण है और इस आखिरी चरण में अगर आप अपनी सहभागिता निभाएंगे तो आप उस प्रत्याशी का चयन कर पाएंगे जो आपके हिसाब से आगे काम कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने।